स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि आज 15 तारीख है और आज जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिन है। अगर हम CHSL की नज़रिए से देखें, SSC के कैंडिडेट्स के नज़रिए से देखें, तो आज रिजल्ट्स आने वाले हैं, ऐसा आप लोगों को बताया गया। और हमने भी इस बारे में चर्चा की थी पिछले वीडियोज़ में भी कि 15 तारीख को हो सकता है रिजल्ट आए। तो ये अभी तक की प्रिडिक्शन है और यहाँ पर आपको क्या कुछ है खास इस वीडियो में, ये मैं आपको बताऊँगा। और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में रिजल्ट्स के ही रिगार्डिंग। तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए और जब रिजल्ट निकले तो कोई परेशानी ना हो और हड़बड़ी में कोई गलती आप ना कर बैठे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं कंपटीशन चुटकी में। अब सब कुछ चुटकी में। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे एक्चुअली आपके स्क्रीन पे अभी जो है वो आपको दिख रहा होगा कि कैसे रिजल्ट्स चेक करने हैं। तो रिजल्ट्स कैसे चेक करने हैं ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो तब आपको अगर कोई परेशानी होती है तो डेफिनेटली जो है आपकी मतलब आपको परेशानी होगी। तो उस टाइम अगर कोई परेशानी होती है तो वो आपके लिए और आपको और कष्ट दे सकता है, क्योंकि काफ़ी एक्साइटमेंट होगी और फिर अगर वहाँ पर आपको कोई परेशानी हो तो डेफिनेटली मुझे पता है कि कैसी फीलिंग हो सकती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक यहाँ पर अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ पे CHSL टायर वन का रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे तो मिलेगा ही। और एक अच्छी बात ये है कि हम यहाँ पे जब रिज़ल्ट आएगा तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे, जो हमारी ये यूट्यूब चैनल है कंपटीशन चुटकी में, कि उस पर एक वीडियो बनाएंगे और वहाँ पर हम क्या करेंगे कि नीचे एक लिंक डाल देंगे और उस लिंक पर जाके आपको आसानी से आपके रिज़ल्ट जो है वो आप ले सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है जब रिज़ल्ट आता है तो साइट क्रैश कर जाता है या फिर आप वहाँ पे साइट पे लिंक नहीं खोज पाते हैं और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसका सीधा एक सॉल्यूशन मैंने निकाला है कि यहाँ पे मैं नीचे लिंक दूंगा और वहाँ पे आप आपके जो है वहाँ पे अपने रिजल्ट्स चेक कर सकते हो। तो कोशिश करूँगा, अपना बेस्ट दूँगा ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। बात करेंगे हम कि रिजल्ट्स कैसे चेक करने हैं। अगर आप ऑफिशियली चेक करना चाहते हो तो कैसे चेक करोगे? सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा या फिर हमने जो लिंक दी होगी नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाइए और उसके बाद उस वेबसाइट पे क्लिक करिए। ssc.nic.in जो है वो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। लेटेस्ट अपडेट्स पे आप क्लिक करिए, वहाँ एक ऑप्शन जो होगा, वहाँ एक लिंक होगा लेटेस्ट अपडेट का, अलग से आपको दिख रहा होगा, और फिर उसमें आप क्लिक करिएगा तो एक आपको लिंक दिखेगा कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन टायर वन 2018 रिजल्ट का। तो ये रिजल्ट लिंक जो है उस पर आप तुरंत क्लिक करिए। और एक बात मैं और कह दूं कि आप हमारे चैनल से अपडेटेड रहिए, इसलिए क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो हम आपको बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और आपको अगर बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है रिजल्ट आने के तुरंत बाद तो अच्छी बात ये होगी, कि ऐसा होता है ना कि रिजल्ट जब आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, ये बात जो है रिजल्ट आने की धीरे धीरे फैलती है और बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुँचती है। तो अगर आप देखोगे कि रिजल्ट जब आता है तो उसके 5-10 मिनट बाद अगर आप रिजल्ट चेक करने जाते हो तो आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, या तो साइट क्रैश हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो एक साथ चेक करते रहते हैं तो 5-10 मिनट में ये जो है शुरू हो जाता है साइट की प्रॉब्लम्स। तो आप क्या करिए कि अपडेटेड रहिए हमसे, हमारे फेसबुक पेज से। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा वहाँ पे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगी और आप तुरंत अगर वहाँ जाके चेक कर लोगे तो कोई जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अगर पहले जाके चेक कर लेते हो तो बाकी स्टूडेंट से अगर आप पहले चेक कर लेते हो तो डेफ़िनेटली वहाँ पे भीड़ कम होगी साइट पे और आपको आसानी से रिजल्ट मिल जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, रिज़ल्ट तो आपने जो है क्लिक कर दिया रिजल्ट लिंक पे, आपको अपनी रिजल्ट मिल चुकी है, आपका सिलेक्शन हो चुका है। जी हाँ, उम्मीद तो हम करेंगे आपका सिलेक्शन हो जाए। और अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है या फिर नहीं भी हुआ है, लेकिन आप क्या करिए कि तुरंत अपना रिजल्ट जो है वो वहाँ से सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, जो भी आप करके रख सकते हैं अपने पास। तो ऐसा नहीं है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन्होंने देख के छोड़ दिया, भाई नहीं हुआ तो अब क्या फ़ायदा। जी नहीं, आप क्या करिए कि एटलीस्ट अपने जो है PC या मोबाइल में तो सेव कर ही लीजिए रिजल्ट, अगर आप प्रिंट नहीं निकलवाते हो। और जिनका नहीं हुआ है स्पेशली उनको मैं बता दूं कि आप प्रिंट नहीं निकलवाते हो तो कोई बात नहीं, आप मोबाइल PC में सेव कर लो। और जिनका सिलेक्शन हो गया है वो तो डेफ़िनेटली आप अपना वहाँ पर सेव करना PC में या फिर जो आपका लैपटॉप या जो आपका डिवाइस है उसमें, और प्रिंट भी एक ज़रूर निकलवा के फ्यूचर यूज़ के लिए रख लेना। तो उससे क्या होगा कि जब आगे कभी प्रूफ्स मांगे जाएंगे या फिर कोई काम रिजल्ट्स के रिगार्डिंग होगा तो वो आपको आपके पास अगर सेव है तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप साइट पे खोजने जाओगे तो वहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो है हर साल जो है हर सेशन के बाद हटा लिया जाता है साइट पे से किसी रिजल्ट का लिंक। इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपने
जो देख रहे होंगे कि यहाँ हमने मेंशन भी कर दिया है, डाउनलोड दी PDF एंड टेक प्रिंट आउट फॉर फ्यूचर यूज। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने कल से, इवन मैं बता दूं कि 2-3 दिन पहले से ही मैसेज करते हुए आ रहे हैं कि सर कब रिजल्ट आ रहा है। इवन आज जो है मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं, और इसलिए मैंने सोचा कि जो एक्साइटमेंट है उस पर थोड़ा सा, जो उनके एक्साइटमेंट को थोड़ा सा शांत करूँ, क्योंकि मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अभी आपका रिजल्ट जो है वो आने वाला है, तो पेशेंस अपने आप पे रखिए। और क्योंकि SSC ने जो है वो कोई ऐसा डिक्लेयर नहीं किया है, मतलब चेंज ला सकता है ऐसा कुछ अभी हाल में नहीं उन्होंने बताया है कि हाँ अपडेट जो है वो चेंज हो सकता है। इसलिए ज़्यादा उम्मीद यही है कि ज़्यादा जो हमारा, अच्छा अगर आप प्रिडिक्शन देखोगे तो उम्मीद यही है कि आज ही रिजल्ट आएगी। तो अब कुछ घंटों की बात है, आप अपने पेशेंस को बनाए रखो, जैसा आपने, जैसी मेहनत की थी आपने, जैसा आपने एग्ज़ाम दिया था, तो वैसा रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। हम भी यही कामना करते हैं और जिन्होंने मेहनत की थी उन्हें सफलता मिले। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कुछ मुझे लगी जो आप लोगों को बता देनी चाहिए, आपके रिजल्ट से पहले कुछ ऐसे पता होनी चाहिए। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को लगा कि सर ने ऐसे ही बता दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इस पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को अनदेखा करके गलतियां करते हैं, और उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं गलती करने के बाद। तो क्यों ना उस गलती को पहले ही हम सुधार ले, पहले ही हम सावधान रहें कि वो गलतियाँ ना हो। तो उम्मीद तो यही करते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा हो, आप लोग कोई गलती ना करें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम आपको सारे इन्फॉर्मेशन अपडेट्स देते रहेंगे, रिजल्ट आएगा उसके बाद क्या जो है रिजल्ट की स्थिति रही वो सब कुछ सारा कवरेज हम बताएंगे। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट Tier 2 की तैयारी, तो सारे प्लान्स हमने बना रखे हैं आपको, Tier 2 के लिए हम गाइड करेंगे। आप नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक घंटी है, घंटी का निशान होगा नोटिफिकेशन बेल, उस घंटी को बजाइए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, और जब हम कोई वीडियो कोई अपडेट्स लेके आएंगे तो वो आपको जो है नोटिफिकेशन आपके डिवाइस पे पहुंचा देगा। तो काफ़ी आसान हो जाएगा सिस्टम, प्रोसेस जो है वो आसान हो जाएगा और आप हमें अवेल कर पाओगे आसानी से। तो अब रिजल्ट आने देते हैं, उसके बाद हम फिर बात करेंगे इस पर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेशन जो हैं वो एटलीस्ट आपको मालूम चली होंगी तो आपको अच्छा लगा होगा, और जिन्हें पता थी वो तो ऑलरेडी बहुत स्मार्ट है तो अच्छी बात है। तो आप यहाँ नीचे लाइक करो वीडियो को और इसे शेयर करो ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चल सके। कमेंट सेक्शन में आप बताओ वीडियो कैसा लगा, और जैसा मैंने देखा कि अभी पिछले 1-2 वीडियोस में हमने इसी रिगार्डिंग बनाई थी तो बहुत सारे स्टूडेंट को अच्छा लगा। तो मुझे खुशी है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है जो हम लेके आते हैं, और ये भी अच्छा लगेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। फेसबुक पेज पर भी आप बने रहिए, वहाँ पर आपको सबसे जल्दी अपडेट्स और आपके रिप्लाई जो है वहीं पर मिलेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे थे कंपटीशन चुटकी में। धन्यवाद।